इलेक्ट्रोड खुद फिक्स किए हुए हैं ना सेंसर में, हमें पता होता है ना ये डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान, राइट? ये नॉन वैल्यू है ना, जब कंपनी बनाती है, इंजीनियर बनाते हैं, तो वो उन्हें पता होता है ना एक्स कितना है टोटल, ठीक है? और डिफॉर्मेशन किस प्रेशर पे कितनी होगी, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास है। और ये डिफॉर्मेशन तभी ट्रू होगी कैलकुलेट करनी की, अगर ये लीनियर, इसकी बेंडिंग लीनियर हो, यानी प्रेशर 1 है तो बेंडिंग अगर 1 है, तो प्रेशर 10 हो तो बेंडिंग भी 10 हो, प्रेशर 100 हो तो बेंडिंग भी 100 हो जाए, उतने टाइम इंक्रीज करे। और ये हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जो लीनियरली डिफॉर्म करता हो। ऐसे बहुत सारे इलास्टिक मटेरियल हैं जिनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पढ़ा हुआ है ना लॉ हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है? विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जितनी स्ट्रेस आप अप्लाई करते जाते हैं, स्ट्रेन बढ़ती जाती है, ठीक है? स्ट्रेस यहाँ पे प्रेशर है, दो प्रेशर डिफरेंस है, बल्कि ये प्रेशर पी जो एग्जर्ट कर रहे हैं, और इधर क्या है एब्सोल्यूट रेफरेंस प्रेशर है जो इस साइड पे होता है, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाता है। तो अब कल भी हमने बात की थी कि जो एक्स नॉट है, इसका फार्मूला है 3/16 1 माइनस सिग्मा स्क्वेयर आर 4 और टी क्यूब इंटू डेल्टा पी। एक तो डेल्टा पी है, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना एक्स नॉट बेंडिंग ज़्यादा होगी। ये तो फैक्टर समझ में आता है ना, राइट? यस यस सर, सर। और ये एक्सटर्नल फैक्टर है, हमने इंट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक मीन जो एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है? इंट्रिंसिक वो होता है जो बिल्ट इन होता है, जो बाय डिफॉल्ट है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है? वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, वो सेंसर जो जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो पैरामीटर भी हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हमने उसको यहाँ अंडरस्टैंड करना है। उसमें एक्स नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, ई मैंने बताया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगर आप ऐसी प्लेट यूज़ करें जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है, तो हमें डिफॉर्मेशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी? कम कम मिलेगी। मिलेगी, कम मिलेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ई कम है तो ये हाई मिलेगी, ठीक है? दूसरा क्या है, थिकनेस, ये ई के सिंपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि थिकनेस का क्या है, क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने डिफॉर्मेशन कम लेनी है या ज्यादा लेनी है, तो थिकनेस को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा या कम, डिफॉर्मेशन ज्यादा लेने के लिए कम रखना पड़ेगा। कम रखना पड़ेगा। और ये इसकी ना क्यूबिकल डिपेंडेंस है थिकनेस पे, ह्यूज डिपेंडेंस है, एक्सपोनेंशियल से भी ग्रेटर है। एक होता है ना एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस, आप कहते हैं एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है 2.73, तो क्यूबिकल, क्यूबिकल डिपेंडेंस उससे भी फास्ट है। तो 2 टाइम थिकनेस अगर कम करेंगे तो 8 टाइम्स क्या है हमारे पास डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगी जो है प्लेट की, जो है, ठीक है? तो ये तो दो, ये सेंसर में एक मेन प्लेट ही है ना, यही सेंसर का एक मेन पैरामीटर है, जो उसकी डायफ्राम है, या डायफ्राम है या झिल्ली है या मेम्ब्रेन है, वही सारा कुछ डिसाइड करती है उस सेंसर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन ये सेंसर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है या लेस सेंसिटिव है। एक सेंसर की रेंज होती है, दो चीज़ें सेंसर में इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसकी रेंज कि वो किस रेंज में प्रेशर को मेजर कर सकता है, और एक उसकी सेंसिटिविटी कि कम से कम वो कितना प्रेशर मेजर कर सकता है, राइट? दो चीज़ें क्लियर, उसकी रेंज क्या होती है और सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है? मिनिमम जो डिटेक्टेबल सिग्नल होता है उसका, उसको हम क्या कहेंगे कि, बल्कि सेंसिटिविटी ये होती है कि हमारे पास कम से कम वैल्यू इनपुट दे के उससे लार्ज आउटपुट ली जाए, ये रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द गिवन इनपुट सिग्नल, वो क्या है सेंसिटिविटी होती है, ठीक है? तो जितनी ये रेशियो कब हाई होगी कि स्मॉल इनपुट दे के लार्ज आउटपुट लें, तो ये रेशियो तब ज़्यादा होती है। स्मॉल इनपुट मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जो है कि थिकनेस बहुत स्मॉल रखी है, तो आपको डिफॉर्मेशन क्या मिल रही है, लार्ज मिल रही है जो है, ठीक है? थिकनेस कम करते जाए डिफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती जा रही है जो है। और अब हमने कितनी थिकनेस रखनी है डायफ्राम की, ठीक है, और हाई यंग मॉडुलस वाली डायफ्राम लेनी है या लो वाली लेनी है, ये हम किस लिए डिसाइड करते हैं कि हम सेंसर को ज़्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं या लेस, और उसकी रेंज ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम। जिस तरह मैंने कल भी बताया था, एम मीटर्स होते हैं, वोल्ट मीटर्स होते हैं, कुछ जो हैं किलो वोल्ट भी मैयर कर लेते हैं, कुछ जस्ट 10 वोल्ट तक मैयर करते हैं वोल्टेज, कुछ जस्ट मिली वोल्ट में मैयर करते हैं, तो ये रेंज होती है उनकी, ठीक है? और जो स्मॉल रेंज मैयर, स्मॉल वैल्यू मैयर करते हैं, वो लार्ज अक्सर नहीं मैयर कर सकते, जो लार्ज मैयर करते हैं वो अक्सर स्मॉल वैल्यू नहीं मैयर कर सकते। ये कल भी मैंने इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उसकी रीज़न बता सकते हैं? जैसे अगर मैं लैसे इसी पे अप्लाई करते हैं, मैं ऐसे ऐसा ये वैक्यूम गेज बनाना चाहता हूँ
जो कम से कम प्रेशर को भी डिटेक्ट कर ले, स्मॉल से स्मॉल प्रेशर को भी, ठीक है। कि ज़ाहिर है ये सेकेंडरी वैक्यूम गेज है, ये 1000 मिली बार से शुरू होता है, ये प्राइमरी को भी मोस्टली इस रेंज को कवर कर सकता है जो है, ठीक है। और सेकेंडरी के भी क्या -6-7 तक, क्या -6 तक रेंज को क्या कवर करता है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ कि ज़्यादा सेंसिटिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या है, डायफ्राम की थिकनेस को बढ़ाऊँगा या कम करूँगा? कम कर दें। कम कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये कम से कम प्रेशर को भी मैयर कर ले। ये सेंसिटिविटी है, रेंज इस पे डिपेंड नहीं करती। सेंसिटिविटी और रेंज टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं। सेंसिटिविटी मैंने कल भी एग्जांपल दी, वो बता सकते हैं सेंसिटिविटी की एग्जांपल क्या है? एक कम सेंसिटिव है गेज और एक ज़्यादा सेंसिटिव है, क्या फ़र्क होगा? एग्जाम्पल दे के कोई बता सकता है कि हाँ भाई ये कम सेंसिटिव है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है? सर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की भी ले सकते हैं एग्जांपल। हाँ, कल मैंने एक्सप्लेन की थी कैसे, फिर बताएं। उसकी लिस्ट चलिए काउंट इस 0.0, ठीक है। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर की है 0.1 मिलीमीटर। तो अगर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर से कोई नीचे वैल्यू है तो वर्नियर कैलिपर तो उसे मेयर नहीं कर सकेगा, ठीक है ठीक है, ठीक है। लेकिन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज उसे मेयर कर लेगा। तो हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मोर सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर हाँ, कैलिपर। इसमें हम रेजोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों मिलती जुलती चीज़ें। आगे हम डिफाइन भी करेंगे सेंसर टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, कि सेंसर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है? जो मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल, कम से कम सिग्नल जो डिटेक्ट हो सकता है। सेंसिटिविटी भी तकरीबन वही चीज़ ही होती है, ठीक है। तो उसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं, कि इसकी रेजोल्यूशन ये है, ये कम से कम इतना मेजर कर सकता है, ठीक है। और जो सेंसिटिव होता है हमारे पास क्या है, कि वो बहुत माइन्यूट वैल्यू को डिटेक्ट कर सकता है। ओवरऑल मीनिंग दोनों के सेम आएंगे, ठीक है, मतलब तकरीबन एक ही बनता है ना, कि अगर आप हम सेंसिटिव ज़्यादा डायफ्राम ले लेते हैं, तो क्या उसे हाई रेंज के लिए यूज़ किया जा सकता है? लार्ज प्रेशर रेंज को भी वो मेजर कर ले जो है, जैसे बहुत ही सेंसिटिव डायफ्राम है, ठीक है, लो प्रेशर को तो ये मेजर कर लेगी, लेकिन हाई प्रेशर को मेजर करना इसके लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, क्या डिफिकल्टी होगी? सर वो दोनों प्लेट्स टच हो जाएंगी और क्रैश कर हाँ, जाएगा। क्योंकि हमने तो प्लेट ऐसी दी है जो थोड़े से प्रेशर से ज़्यादा बेंड कर जाए, तो फिर ठीक है, फिर ये लो प्रेशर रेंज में तो काम करेगी सही। जैसे इधर -3 है, -6 है, -3 से -6 के लिए जो बहुत सॉफ्ट डायफ्राम होगी वो सुटेबल होगी, लेकिन -3 से हायर प्रेशर आप प्राइमरी वैक्यूम में जाना शुरू कर दें, चले जी -1 से -6 तक, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन -1 मिली बार, 100 मिली बार, 1000 मिली बार पे इतना प्रेशर होगा कि वो क्या कर देगा हमारे पास, क्या इसको इतनी बेंड नहीं करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड टच हो सकते हैं जो है, ठीक है। तो इसलिए ये रेंज सारी फिर सोच समझ के बनाई जाती है। समटाइम आप रेंज को बड़ा रखना चाहते हैं, तो आपको सेंसिटिविटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि वो 1000 मिली बार भी मेजर कर लेगा, -6 मिली बार भी कर लेगा, लेकिन क्या है, वो ये जो माइन्यूट वैल्यूज होती है ना, जैसे 1.1 मिली बार, 1.2 मिली बार, 1.01 मिली बार, ठीक है, 1, 2, 3 मिली बार तो वो मेजर कर रहा है, कि 1 के बाद वो जो जब तक 2 मिली बार नहीं होगा, वो दरमियान वाली रीडिंग को मेजर नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि 2 ना हो जाए। जबकि जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो हमें 1 के बाद बताएगा कि अब 1.1 हो गया है, अब 1.2 हो गया, वो 1 से 2 तक जाते हुए पूरी हमें रीडिंग देगा, बताएगा कि अब 1.1 हो चुका है। जबकि जो लेस सेंसिटिव है, चाहे रेंज समटाइम दोनों की सेम भी हो सकती है, मोर सेंसिटिव की और लेस सेंसिटिव की भी, अगर रेंज सेम है, लेकिन फ़र्क फिर क्या होगा, कि ये भी 1 से 10^3 से -3 बता रहा है, दूसरा भी 10^3 से -3 बता रहा है, तो फ़र्क यहाँ पे ये हो सकता है, एक इस तरह से बताएगा 1 मिली बार, 2 मिली बार, 3 मिली बार, इस तरह सो ऑन, सारा जो है -1 मिली बार, इस तरह से 1-1 वैल्यू के डिफरेंस से, और दूसरा क्या, वो माइन्यूट वैल्यू में भी बता देगा 1.1, 1.01, ठीक है, इतना स्मॉल फ्लक्चुएशन को भी वो क्या आपको इंडिकेट करेगा कि अब इतना प्रेशर हो रहा है जो है, तो ये फ़र्क होता है। तो ये सारा फिर हम इसको कंप्रोमाइज़ करते हैं इस पर, कि डायफ्राम किस तरह की यूज़ करनी है, दरमियानी यूज़ करेंगे, ज़्यादा हार्ड यूज़ करेंगे तो वो रेंज उससे ज़्यादा ले लेंगे लेकिन सेंसिटिविटी कम मिलेगी, मोर सॉफ्ट यूज़ करेंगे तो रेंज बहुत कम मिलेगी लेकिन सेंसिटिविटी के हाई मिलेगी, तो इंटरमीडिएट यूज़ करेंगे तो उससे इंटरमीडिएट रेंज मिलेगी और सेंसिटिविटी क्या होगी, इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। तो ये इस तरह से आपने किस तरह की रेंज लेना चाहते हैं उस तरह से आपने क्या, लेकिन एक तरह के सेंसर में सारी क्वालिटीज़ डिफिकल्ट होती हैं। जैसे हाई रेंज के लिए यूज़ करना है तो डायफ्राम तो एक ही यूज़ करनी है ना आपको, दो दो तो नहीं यूज़ कर सकते, एक वक्त में एक यूज़ हो सकती है ना, या तो अगर आपने हार्ड यूज़ कर ली तो वो सेंसिटिव नहीं होगा,
सॉफ्ट यूज कर ली तो उसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स के लिए आप डिफरेंट तरह के क्या इंस्ट्रूमेंट्स के परचेज करते हैं, ठीक है। तो जैसा मल्टीमीटर मैंने बताया था कल भी, उसमें एम मीटर के भी मल्टीपल सर्किट लगे होते हैं, वोल्ट मीटर के भी मल्टीपल सर्किट लगे होते हैं, और ओम मीटर के भी मल्टीपल सर्किट लगे होते हैं। मल्टीपल मीन एक उसका सर्किट है जो किलो ओम भी रेजिस्टेंस बता रहा है, एक जो है उसका सर्किट है जो हंड्रेड्स ऑफ ओम में रेजिस्टेंस बताता है आपको, एक जो सर्किट है वो फ्यू ओम तक रेजिस्टेंस बताता है, 1 से 10, उसकी रेंज ही 1 से 10 है, लेकिन वो आपको बताएगा 1.1 ओम भी बता देगा, 1.2 ओम भी बता देगा अगर है तो। लेकिन जो हंड्रेड ओम वाला है वो बताएगा 1 ओम 10 ओम 20 30, और जो किलो ओम वाला है थाउजेंड्स ऑफ ओम वाला है वो आपको बताएगा 1 ओम लेट्स से 200 ओम 400 ओम, इसके दरमियान वो वैल्यू आपको क्या नहीं बताएगा, उसके जो जो गैप स्केल बना होगा वो क्या उसमें उनमें गैप्स बड़े होंगे जो है, ठीक है, वो उतनी उतनी रेजिस्टेंस बता देगा, बड़े बड़े वैल्यू वाली स्मॉल वैल्यू वो नहीं डिटेक्ट करेगा। ये समझ आ गया, मैं ओवरऑल थोड़ा सेंसर का आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगले चैप्टर में हमने पढ़ना भी है ये डेफिनेशन वहाँ पे होंगी तो आप इजीली उनको फिर अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे फिर कोई भी डिवाइस बनाया जाता है उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल, किसी उसके बिहाइंड फिजिक्स होती है, मैथमेटिक्स होता है, कैलकुलेशंस की जाती हैं, फिर उस डिवाइस को क्या बनाया जाता है। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध एक प्लेट पकड़ी लगा दी और जब आपने उसके उसको हाई प्रेशर पे एक्सपोज कर दिया तो वो प्लेट क्या जाके इधर टच होगी, वो शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, ये सारा कैलकुलेटेड होता है, और बहुत ज़्यादा गैप हम प्लेट के दरमियान रख भी नहीं सकते कैपेसिटर की, पता है ना, बहुत लार्ज गैप में वो फिर कैपेसिटेंस नहीं क्रिएट होती, सर्टन फाइनाइट डिस्टेंस ही रख सकते हैं ना प्लेट में, yes, और ये कम ही होता है ना, और ये फ्यू मिलीमीटर्स में होता है ना, ज़्यादा ज़्यादा भी, ठीक है ना। तो इसलिए yes. उसी के अंदर हमने उसी रेंज के अंदर हमने काम करना होता है, तो वो एज ए कैपेसिटर वर्क ही नहीं करेगा जब प्लेट से मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम फाइनाइट डिस्टेंस रख सकते हैं जो। तो यहाँ पे ये फिर पैरामीटर आ गए, एक तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई, पैरामीटर डेल्टा पी भी क्लियर, ई भी, टी भी, और आर क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जैसे ये आपको डायफ्राम नज़र आ रही है, दो कन्फिग्रेशन है, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ डायफ्राम ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एक ए है एक बी है, ए और बी में फर्क बता सकते हैं क्या फर्क है, डायग्राम देख के, डायग्राम से तो थिकनेस का मुझे नहीं नजर आ रहा, डायग्राम से तो नहीं शो हो रहा कि थिकनेस का फर्क है, कैसे शाबाश कैसे डिफ्लेक्शन का बताएं, बेंडिंग तो दोनों में ही है तकरीबन, ये टी फॉर टेंशन होता है, ये आपको नजर आ रहा है कि इधर टी नहीं लिखा होगा, ठीक है, इसमें लिखा होगा टी, तो यानी ये स्ट्रेच्ड वायर है, स्ट्रेच्ड डायफ्राम है, सॉरी, ठीक है, तनी हुई है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच की हुई है, खेच जैसे रस्सी है ना, उसको आपने खींच के रखा हुआ है दोनों साइडों से, ठीक है। अब सेम प्रेशर दोनों पे अप्लाई करते हैं, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है, तो क्या फ़र्क होगा दोनों में, डेल्टा भी सेम दिया, ये स्ट्रेच नहीं है, जस्ट फिक्स्ड है दोनों एंडों पे, ये भी डायफ्राम फिक्स्ड है, इधर वेल्ड कर दिया, इधर वेल्ड कर दिया, लेकिन इधर जो वेल्ड किया खींच के वेल्ड किया, स्ट्रेच करके वेल्ड किया हुआ है। अब सेम प्रेशर डिफरेंस के लिए, सेम फोर्स के लिए कौन सी ज़्यादा बेंड करेगी डायफ्राम, स्ट्रेच वाली या अनस्ट्रेच्ड वाली, ये ज्यादा बेंड करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये उसे खींच के रखी, ये आपकी फोर्स को बैलेंस कर रही है, खींच के रखा हुआ है, तो ये कम बेंड करेगी, ठीक है। और अब फिर यहाँ पे टेंशन का क्या रोल है बता सकते हैं, अभी हमने सेंसर की रेंज सेंसिटिविटी की बात की, तो बता सकते हैं टेंशन का क्या रोल है यहाँ पे, ये कब यूज होगा, किन कंडीशन में। देखिए टॉपिक क्लियर है, बड़ा सिंपल सा, वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं जो वाइवा में आपसे पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए अब हम जो लेक्चर होता है अगर मैं स्मूथली भी डिलीवर कर सकता बस बोलता जाऊँ ठीक है, लेकिन उससे क्या चंद एक को समझ आएगी, हो सकता है बाकियों को आए ना, तो आपसे साथ इंटरेक्ट करने का यही पर्पज़ होता है कि ठीक है लर्निंग हो आपकी, जहाँ आपको मुझे भी पता चल जाएगा ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही। अब टेंशन का क्या बेनिफिट हो सकता है, अभी तक हमने टेंशन की बात नहीं की थी, जी शाबाश बोलें, हाईली सेंसिटिव बनाने के लिए पड़ गया वो हमारे पास, हाईली सेंसिटिव बनाने के लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है या ये वाली बेस्ट है,
टेंशन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं अप्लाई नहीं करना, नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों? अगर फर्ज कर, जैसे अभी बताया ना कि आपने डिफॉर्मेशन कम लेनी है, तो हम कहते थे थिकर डायफ्राम ले लें, तो एक और सोल्यूशन भी है, आपके पास थिकर डायफ्राम नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, ठीक है, आप ऐसी डायफ्राम ले लें जो स्ट्रेच की हुई है, वो उसी जैसे ही काम करेगी, क्योंकि उसको बेंड करने के लिए इससे डबल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। कितना ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा? जितना टेंशन ज्यादा होगा, ठीक है ना? आप टेंशन से प्ले करते जाएं, उसका जो है टेंशन बढ़ाते जाएं, उसकी डिफॉर्मेशन कम होती जाएगी, ठीक है? राइट, यस सर। और ये देखिए इसका रेडियस कर्वेचर भी कम है, इसका रेडियस और कर्वेचर ज्यादा है, आर के ये बेंड होगी ना, बेंडिंग किस तरह से होती है, स्ट्रेट अगर शीट हो तो ऐसे ही कर्व बनता है ना, जब बेंड होगी उसके सेंटर उसके उसके ऊपर सरफेस पे प्रेशर पड़ेगा, वो ओवल शेप प्याले की शेप में नीचे बेंड होगी ना, ऐसे ही बेंड होती है ना कोई प्लेट जो होती है, ठीक है? तो रेडियस और कर्वेचर भी चेंज होगा जो, ठीक है? इसका कम है, इसका क्या ज्यादा है, तो इसलिए ये आर ये चीज है, ठीक है? जिसमें आर किसमें ज्यादा होगा, आर इस वाले में हमारे पास क्या ज्यादा होगा, कर्वेचर रेडियस डेप्थ इसमें ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें ज्यादा होगा, डेप्थ इसमें ज्यादा है, ठीक है? ये तनी हुई नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका ओवरऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, आर यहाँ पे इस चीज का रेडियस फाइंड कर लिया जाएगा, जो भी बेंडिंग है टोटल जो रेडियस है, ये रेडियस आप साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? बेंडिंग के वाले से भी डिपेंड करता है, और टोटल साइज डायफ्राम का कितना है, बड़े साइज की होगी तो आर बड़ा होगा, छोटे साइज की होगी तो आर क्या होगा, कम होगा जो है, ठीक है? थिकनेस भी है उसकी, ये डायमेंशन यानी ओवरऑल साइज कितना डायफ्राम का, उस पर भी आर डिपेंड करता है, डेल्टा पी, और ये चीज होगी। अच्छा इसमें अच्छा 2R क्या चीज है, ये टोटल डिस्टेंस बताया जा रहा है, ये डायमीटर होगा ना, ये पूरा है आपके पास, ये उसका सर्कुलर जो पर्चा, रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होते हैं, मिडल से एज तक, सेंटर से एज तक रेडियस होता है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, इधर R ही यूज करना है आपने फॉर्मूले में, ये जस्ट उसने कहा कि टोटल डिस्टेंस शो कर दिया है, वैसे उससे कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, जस्ट वो R बता देता, R यहाँ से यहाँ तक होता है, राइट, ठीक है? 2R वैसे शो करने का आपका क्वेश्चन वैलिड है, शो करने का कोई पर्पस को नहीं था, जस्ट कंफ्यूज कर रहा है डायग्राम में आपको, ठीक है? क्योंकि हमें पता है आर का डबल क्या होता है 2R, लेकिन वो ये भी समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे फिर आर कितना होगा, 2R उसने बता दिया, आर अंडरस्टूड है, इस टोटल का हाफ होगा, रेडियस हमेशा सर्कल के, ठीक है, सेंटर से लेके, ये एक सर्कल ही बन रहा है ना ओवरऑल, अगर कंप्लीट करें तो ये बेंड हो रहा है, कर्वेचर बन रहा है, तो इसलिए आर ये चीज है। अच्छा जब टेंशन अप्लाई करना है उस वक्त डिफॉर्मेशन का फार्मूला ये है, जब टेंशन नहीं अप्लाई करना उस वक्त डिफॉर्मेशन का फार्मूला ये है, इक्वेशन 1 ए डायग्राम के लिए और इक्वेशन 2 किसके लिए, बी डायग्राम के लिए, राइट? दोनों में हम बात करते हैं, इसमें सारी बात करी, सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो है, ठीक है? पॉइजन रेशियो पढ़ी हुई है आपको, आपने नो सर, ये बेसिकली रेशियो है बिटवीन ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स से क्या एक्सियल स्ट्रेन के दरमियान क्या रेशियो होती है। अच्छा जब एक चीज को फोर्स लगाई जाती है, जैसे एक सिलिंड्रिकल रॉड है, ठीक है, उसका दो एक्सिस हैं, एक उसका लॉन्ग एक्सिस है, उसे एक्सियल वो एक्सिस कहते हैं ना, लॉन्ग प्रोजेक्ट एक्सिस है, उसे क्या है हमारे पास क्या एक्सियल डायरेक्शन कहेंगे, और जो वाई एक्सिस है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है? एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं या एक्सियल डायरेक्शन भी कहते हैं, और सिलिंड्रिकल रॉड की जो वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन होगी उसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। अगर मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेन अप्लाई करूं, स्ट्रेस अप्लाई करूं, तो रॉड क्या होगा, थिन हो जाएगा ना, मैं उसे जब प्रेस करूंगा दोनों साइडों से, ठीक है, उसकी दो डायमेंशन में चेंज आएगी ना, एक उसकी लेंथ भी बढ़ेगी और एक उसकी क्या विड्थ भी बढ़ेगी ना। किसी चीज को जोर से प्रेस किया जाता है तो वो क्या है, पिचक जाती है ना, प्रेस हो जाती है, रॉड है, रॉड को फोर्स लगाएंगे तो प्रेस होकर क्या बन जाएगा, थिन थिन हो जाएगा ना बिल्कुल, और फैल भी जाएगा। यस सर, लेंथ वाइज भी फैलेगा और विड्थ वाइज भी, ठीक है? तो बेसिकली जो सिग्मा है दैट इज द डिफॉर्मेशन इन अ सॉलिड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं, सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन हुई है, डिफॉर्मेशन दो डायरेक्शन में होती है, हमेशा जब आप किसी चीज का, आप रबड़ है उसको खींचते हैं जोर से, तो एक तो उसकी लेंथ बढ़ती है और दूसरी उसकी कौन सी डायमेंशन चेंज होती है। रबर को खींचते हैं, एक स्ट्रिप है रबर की, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जब मैं उसे खींचूंगा तो उसकी क्या, एक तो लेंथ बढ़ रही है और क्या चीज चेंज हो रही है उसकी, थिकनेस भी और विड्थ भी, हाँ विड्थ भी चेंज हो रही है ना, विड्थ भी चेंज होगी ना उसकी, वो नैरो होती जाएगी, वो कम हो रही है,
तो ये जो स्ट्रेन से डिफॉर्मेशन हो रही है लेंथ में भी हो रही है और विड्थ में भी हो रही है, इन दो डिफॉर्मेशन की रेशियो को क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो। ठीक है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या है? उसकी वाई एक्सिस डायरेक्शन, लेंथ एक्सियल होती है, ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन की, दो स्ट्रेन की रेशियो को पॉइजन रेशियो कहते हैं। सिंपल वर्ड में आप कह लें इट इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। डायफ्राम बेंड करेगी तो उसकी थिकनेस भी चेंज होगी ना, और उसकी ये क्या है, लेंथ भी चेंज हो रही है ना, साइज भी बढ़ रहा है ना साइज। जब डायफ्राम को बेंड कर रहे हैं तो जितनी बेंड होगी थिन से थिन होती जाएगी ना थोड़ी सी, जितनी बेंडिंग पे डिपेंड करता है। यस सर, ये रबड़ है, रबड़ को आप बेंड करते हैं ऐसे, रबड़ स्ट्रेच किया हुआ है तो उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है और उसकी क्या है, विड्थ भी चेंज हो रही है। तो ये डायमेंशन में चेंज है, ये भी यानी कि इलास्टिक, सिंपल वर्ड में आप ये कह लें ये भी इलास्टिक पैरामीटर है। और ये हम हर मटेरियल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नोन होता है कि ये मटेरियल इतनी फोर्स अप्लाई करें तो ये इतना स्ट्रेच होगा, इतना डिफॉर्म होगा, पता होते हैं ना इलास्टिक सारी वैल्यूज हर मटेरियल की पता होती है ना। यस सर, अगर नहीं आइडिया तो ये जान लें कि ये हमें पता होती है, ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की हुई है हर मटेरियल के पैरामीटर, उसका यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी भी नोन है। आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप किसी भी मटेरियल के यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी पॉइजन रेशियो, ठीक है, उसके ये सारे पैरामीटर आप क्या वहाँ से क्या रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये यानी कि सारे सिग्मा ई और ये सारे डायफ्राम, आर भी उसका साइज को भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, और बेंडिंग के बाद भी उसका ये कितना हो रहा है, तो बेसिकली ये उसका साइज ही है क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये डायफ्राम का रेडियस है बेसिकली। बेंड ना भी हो तो ये क्योंकि शो कर रहा है कि नॉन बेंडिंग वाला रेडियस है, सेंटर से लेकर यहाँ तक वही चीज़ है, ये साइज पे डिपेंड करता है। जितनी डायफ्राम का साइज बड़ा होगा, बड़ा होगा तो आर ज़्यादा होगा, तो डायफ्राम बड़ी होगी तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए या कम? अच्छा, स्मॉल डायफ्राम में ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी या लार्ज में ज़्यादा होगी? चलें यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन सिंपल सा आ गया। सेम प्रेशर लगा रहे हैं, एक डायफ्राम का साइज कम है, आर कम होगा, और एक का बड़ा है, तो किस में डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी फॉर गिवन प्रेशर डिफरेंस? जो ज़्यादा डिस्टेंस में होगा, जो ज्यादा साइज, क्योंकि आप देख लें लकड़ी छोटी सी हो उसे बेंड करके तोड़ना मुश्किल काम है ना, लेकिन लंबी लकड़ी हो अगर साइज बड़ा है ना तो उसको बेंड करना मुश्किल होगा, लेंथी वाली को, उसको आसान है, लेंथी वाली को तोड़ना आसान है बेंड करके, या शीट है कोई इस तरह सी जो है वो जितनी थोड़ी सी बड़ी होगी उसको बेंड करना तोड़ना, साइज छोटी सी अगर शीट है किसी चीज की भी लकड़ी की है तो बड़े साइज को आसान होता है, ज्यादा आसान होता है बेंड करना और तोड़ना। मैं एक लकड़ी छोटी सी दे देता हूँ जस्ट फ्यू इंचेस की, उसको तोड़ लोगे आप? जैसे बॉल पॉइंट है, मैं पूरी है बॉल पॉइंट, लंबी है, इसे तोड़ना आसान है, मैं हाफ करके दे दूँ तो आपकी फोर्स बढ़ जाएगी, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है, ये वही इसी तरह की। तो आर के क्या है, और आर के किस पार के प्रोपोर्शनल है? फोर्थ पार के। किस पार के? यानी साइज दो गुना बढ़ाएंगे डायफ्राम का तो जो डिफॉर्मेशन है कितने गुना बढ़ जाएगी? 64 टाइम। ठीक है, 2 × 4 = 8, 8 × 16 2 की पावर 4 लेने ना। ठीक है, इतने गुना यानी थिकनेस पे क्यूबिकल डिपेंडेंस है, रेडियस ऑफ डायफ्राम पे, साइज से डायमेंशन, साइज कह देंगे डायफ्राम का, क्योंकि डायफ्राम की देखो ना डायमेंशन में क्या आ जाए, उसकी थिकनेस भी आ जाती है, उसकी विड्थ लेंथ भी आ जाती है, रेडियस क्या है, उसकी विड्थ लेंथ है, क्योंकि सर्कुलर डायफ्राम है तो उसकी विड्थ भी आर होती है और जो लेंथ है वो भी क्या होती है, आर होती है ना, सर्कुलर शेप में डिस्क अगर हो। अगर ये डायफ्राम स्केयर शेप में है फिर भी लेंथ और विड्थ दोनों के सेम होगी जो। ठीक है, तो ये यानी ये उसका क्या है, वो साइज है डायफ्राम का जो है ना, आर उसका रेडियस है वो उसको शो करता है। तो ये सारे फैक्टर आप देखिए, आप कोई भी सेंसर बनाया जाता है तो सारी उसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, हर चीज़ उसकी कैलकुलेटेड होती है, ये नॉन होता है इतना प्रेशर डलेगा, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होगी सारी। आप देखें किसी भी गिवन सेंसर के लिए ई भी फिक्स, टी भी फिक्स, आर भी फिक्स, सिग्मा भी फिक्स, फिक्स होता है ना किसी भी मटेरियल के लिए जो आपने सेंसर में यूज किया हुआ है। यस सर, तो वेरिएबल क्या है, डेल्टा पी, इसलिए ये कांस्टेंट होगा, हम कह सकते हैं एक्स नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी एंड दिस होल फैक्टर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर दिस मटेरियल। वो जो गिवन मटेरियल यूज हुआ है उसके लिए वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि एक कैलिब्रेशन कर्व उसे कहते हैं एक्स और वाई में, कि पी बढ़ाते जाते हैं एक्स बढ़ता जा रहा है, तो वो ग्राफ पूरी एक रेंज में ड्रा कर लेते हैं, उस पूरी रेंज को छोटे छोटे स्केल में डिवाइड कर लेते हैं, वो जो रेंज पूरी आती है इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर वो नोट कर लेते हैं कि मैक्सिमम ये मटीरियल कितना डिफॉर्म हो सकता है, तो वो प्रेशर कितने प्रेशर पे मैक्सिमम डिफॉर्म होगा, वो फाइनल प्रेशर उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी मेजर करने, ऐसा ही है ना।
वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, एक जगह पे वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? ये इस मटेरियल की क्या फाइनल लिमिट है, तो वो सेंसर की मेजरिंग रेंज की भी फाइनल लिमिट होगी वो, ठीक है। और मिनिमम कब होगी कि किस पॉइंट पे आपको डिफॉर्मेशन इतनी मिलती है जिससे कैपेसिटेंस चेंज हो जाए, वो कम से कम प्रेशर की वैल्यू होगी। किसी सर्टन से शुरू करना है ना, अगर आपको डिफॉर्मेशन इतनी कम मिले कि उससे कैपेसिटेंस में चेंज ही ना मिले, तो वो वैल्यू क्या मिनिमम वैल्यू उससे अबव भी कहलाई करेगी। आप चेक करते हैं फिर कि किस प्रेशर पे आपको कैपेसिटेंस में चेंज मिलना शुरू होती है, वो उसकी स्टार्टिंग रेंज हो जाएगी सेंसर की, राइट, ठीक है। कि किस वैल्यू पे, किस प्रेशर पे आपको रीडिंग मिलना शुरू हो रही है चेंज इन कैपेसिटेंस की, वो उसकी स्टार्टिंग रेंज है। और किस पे वो क्या एक्सट्रीम हो गई है, उसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, अब उसमें चेंज नहीं आ रही, वो उसकी फाइनल लिमिट होगी, ठीक है। तो सारी पहले ये कैलकुलेशन की जाती है, फिर इसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है, और इसको हम कैलिब्रेशन कर्व कह देते हैं कि ग्राफ एक्स और वाई में प्लॉट हो जाता है बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड प्रेशर, और वो उसकी कैलिब्रेशन कर्व कहलाती है सेंसर की। तो अब यही डिफॉर्मेशन अगर टेंशन क्रिएट किया, फिर किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक्स आर डिपेंड अपॉन टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना टेंशन हाई उतनी डिफॉर्मेशन कम। अब टेंशन की प्रेजेंट पे आप देखें कि आप क्या है, ये आर फोर की बजाय क्या डिपेंडेंस है, आर के स्केयर के, आर के ठीक है। तो अब आप क्या हमारे पास क्या है, ये उसका साइज डिफरेंट ले सकते हैं इसके मुकाबले में, क्योंकि अब आप क्या है साइज दो गुना बढ़ाएंगे तो आपको जो डिफॉर्मेशन है वो कितने गुना मिलेगी, फोर टाइम। तो ये कौन से सेंसर के लिए फिर ये सूटेबल है कि डिफॉर्मेशन जिसमें कम जाते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज हो, जो क्या हो लॉन्ग रेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, या साइज कम कर दें प्लेट का, और दूसरा क्या कर दें टेंशन उसमें क्रिएट कर दें, ठीक है। थिकनेस भी बढ़ाई जा सकती है, या टेंशन क्या हम उसमें क्या क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर एक्स नॉट आ जाएगा उस केस के लिए जब हमने टेंशन के क्रिएट किया हुआ है। इस फार्मूले को आप छोड़ दें, इस यूजलेस है, कोई इसका फंक्शन नहीं है, ये दो फार्मूले आपके लिए काफ़ी हैं। एक्स नॉट जो डिफॉर्मेशन है, क्योंकि यही डिफॉर्मेशन हमने यहाँ पे, ये तीन फार्मूले हैं टोटल यहाँ पुट करनी है, एक्स माइनस एक्स नॉट टोटल डिफॉर्मेशन है, इससे आप चेंज इन कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। एरिया प्लेट का नोन होता है, डायफ्राम का एरिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट का डिफॉर्मेशन है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। ये वैसे कांस्टेंट है, एरिया भी फिक्स होता है, प्लेट का नोन होता है, जब सेंसर बनाते हैं आपको पता है डायफ्राम का एरिया कितना रखा हुआ है, ठीक है। और ये डिफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रेशर के साथ साथ कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है उसका ये फार्मूला है। तो इसकी बेस पे आप क्या सेंसर को क्या डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक?